नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात होगी घुटनों के दर्द की, जो आज एक आम सी समस्या बनती जा रही है। कभी बुढ़ापे की बीमारी माने जाने वाला घुटनों का दर्द आज कम उम्र के लोगों को भी परेशान कर रहा है। तो अगर आप या कोई आपका अपना भी घुटनों के दर्द से परेशान है और इससे जुड़ी सलाह या मशवरा या सुझाव आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह, जो खास तौर से नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। तो आपके मन में जो भी सवाल घुटनों के दर्द से जुड़ा उठ रहा हो वो हमसे पूछिए और कॉल मिलाइए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इसके अलावा आप YouTube लाइव पर भी सवाल पूछ सकते हैं। Gmail, Facebook और Twitter के जरिए भी हम तक आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। घुटनों में दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। घुटनों का दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है और यह आपको चलने फिरने में भी असमर्थ कर देता है। और अगर आपका वजन ज़्यादा हो या आप वृद्धावस्था में हो तो घुटनों का दर्द और भी तकलीफदेह हो जाता है। घुटनों में दर्द की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जीवन शैली में बदलाव इसकी एक अहम वजह है। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत पर ध्यान देना कम होता जा रहा है। खास तौर से ऑफिस में काम करने का तरीका हमें धीरे धीरे बीमार बना रहा है। दिनों दिन बढ़ते प्रेशर के कारण ऑफिस जाना और फिर अपने डेस्क पर बैठे बैठे ही नाश्ता, चाय, लंच सब कुछ निपटा देना, दिन भर एक जगह बैठे रहने से हमारे जोड़ों खासकर घुटनों पर असर पड़ना लाजमी है। पैरों को एक ही पोजीशन में पूरे दिन रखने से घुटनों पर इसका बुरा असर पड़ता है और बुढ़ापे में ये समस्या और गंभीर हो जाती है। आज घुटनों में दर्द की शिकायत करने वाले लोगों में बड़ी उम्र के साथ साथ सामान्य आयु के लोग भी शामिल हैं, लेकिन अधिक उम्र में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है। एक शोध के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में घुटने का दर्द सामान्य है। 50 वर्ष की आयु से ऊपर की करीब 2/3 महिलाओं को किसी न किसी रूप से घुटनों में दर्द की शिकायत होती है। घुटनों से ही पैरों को मुड़ने की क्षमता मिलती है, लेकिन कई कारणों से घुटनों में दर्द होने लगता है। वैसे तो चोट, बढ़ती उम्र, मोटापा, संरचनात्मक असमानताएं, मांसपेशियों में लचीलेपन की कमी जैसे कई कारक दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों जैसे गठिया, बर्सराइटिस और मांसपेशियों में दर्द भी जोड़ों के दर्द का कारण है। घुटनों की समस्या से बचने के लिए आराम करें और ऐसे कामों से बचें जो दर्द बढ़ा देते हैं, विशेष रूप से वजन उठाने वाले काम से बचें। सामान्य हल्के व्यायाम, आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों में जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाने, दर्द घटाने और दुखती कड़ी मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर ये उपाय आपको राहत नहीं दे पाते तो हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत हो। इसलिए घुटनों के दर्द को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। आपके मन में भी घुटनों से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कॉल मिलाइए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर विक्रम शाह स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी बताया अपनी स्टोरी के जरिए, पैकेज के जरिए, क्या अब ये उम्र से संबंधित रोग रह गया है घुटनों का दर्द? उम्र से संबंधित तो बिल्कुल है ही, क्योंकि 50-60 साल के बाद ही आमतौर से होता है, लेकिन आजकल यंग एज में भी काफ़ी देखने को मिलता है। उसकी खास वजह 2-3 है। एक तो ये है कि ओबेसिटी इज़ बिकमिंग कॉमन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन 2 पार्ट्स, वन इज़ प्रोटीन डाइट एंड सेकंड इज़ विटामिन्स, और विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन हो गई है। और ख़ास तौर से एयर कंडीशन रूम में बैठे रहने से जब सनलाइट नहीं मिलता है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता है और हड्डियां और जॉइंट कमज़ोर होते जाते हैं, और प्रोटीन हमारे डाइट में हाई क्वालिटी नहीं रहता है। जो हमको, हम रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की है, बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके पास आते हैं घुटनों के दर्द से जुड़ी समस्या लेकर, क्या लग रहा है आपको कितनी ये गंभीर समस्या होती जा रही है, कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? ये बहुत ही गंभीर समस्या है, 2 तरीके से मैं कहूँगा। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में करीबन 15 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम है, मतलब 30 करोड़ घुटनों में ये प्रॉब्लम है। सबको सर्जरी की जरूरत है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है।
और दूसरा ये कॉमन प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है क्योंकि अभी हमारी सरेराश आयु बढ़ती जा रही है। हम आज़ादी के टाइम पे जो जीते थे करीबन 45 साल की आयु थी एवरेज लिविंग ऑफ इंडियन, जो अभी बढ़कर 70-75 के आसपास की, जो और भी बढ़ने वाली है क्योंकि हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी, लोगों का नॉलेज अबाउट हेल्थ केयर बढ़ता जा रहा है, तो लोग ज़्यादा जीने वाले हैं और ज़्यादा जिएंगे तो जोड़ों के प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ने वाला है। जैसे मोटे तौर पे डॉक्टर साहब आपने अभी कारण बताए, और क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? मेन कारण तो अपने यहाँ न्यूट्रिशनल इंडियंस में है। मैं खाली एक बात बताऊँ कि चार अलग अलग रेस के लोग हैं दुनिया में, अफ्रीकन्स, कोकेशियंस दैट इज़ वाइट, ओरिएंटल्स दैट इज चाइनीज ओरिजिन, एंड एशियंस साउथ एशियंस दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, इस बारे में डिटेल में आपसे समझूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुनेंद्र ने हमें कॉल किया है, कन्नौज से इन्होंने कॉल किया है। मुनेंद्र स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, बोथ ऑफ यू एंड डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ सुप्रभात। मैम मेरा प्रश्न मेरे पिताजी से संबंधित है। जी, मेरे पिताजी की उम्र करीब 60-62 साल है। वो एक्स है, एक्चुअली एक्स सर्विस में थे, तो उनके घुटनों में अभी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो चलने में उन्हें तकलीफ होती है काफ़ी, और काफ़ी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में दिक्कत होती है। तो सुझाव ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि क्या उनके लिए टहलना और खान पीन में क्या खाना चाहिए जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि वो अगर बैठ जाएं तो फिर एक जगह से उठने के लिए बहुत तकलीफ होती है और सर्दियों में विशेषकर बढ़ जाती है। तो मैं ये सुझाव जानना चाहता हूँ कि क्या खान पीन होना चाहिए उनका, या टहलना चाहिए हल्का, कौन कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए उपयोगी होंगी। बिल्कुल मुनेंद्र, आप कॉल पर बने रहिए, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चलेंगे नहीं तो हार्ट ठीक से नहीं चलेगा, चलेंगे नहीं तो भूख नहीं लगेगी, जो भी खाया है हजम नहीं होगा, तो चलना बहुत ही ज़रूरी है, चलना बंद नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि खाना क्या खाना चाहिए, तो मैंने अभी बोला कि विटामिन की कमी के लिए देखना चाहिए, और दूसरा हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, क्योंकि 40-50 के बाद आमतौर से आदमी को भूख भी कम लगती है, तो हाई क्वालिटी फूड खाना चाहिए, एंड डॉक्टर को पूछ के जहाँ ज़रूरत है सप्लीमेंट लेना चाहिए। दूसरा बात कि जब भी ऐसा पेन हो, चल नहीं सकते हो, वो सब पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक बार जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि अगर दवाई और फिजियोथेरेपी से अगर टाइम निकल सकता है तो आपको करेक्ट एडवाइस मिलेगी। बिल्कुल, यानी एक बार डॉक्टर से ये सलाह लें कि किस वजह से दर्द है और फिर उसका उपाय अपनाएं। डॉक्टर आप बता रहे थे कि कारण क्या है इसके पीछे, तो कहने का ये है कि जो चार मेन रेस है दुनिया में, अफ्रीकन्स, कोकेशियंस, ओरिएंटल्स एंड एशियंस दैट इज साउथ एशियंस, उसमें मैं ये कहूँगा कि ब्रेन पावर वाइज एशियंस आर द बेस्ट, देन द ओरिएंटल्स, देन द कोकेशियंस एंड देन द अफ्रीकन्स। बट मेरे यहाँ हर टाइप के पेशेंट पूरी दुनिया से आते हैं, तो क्वालिटी ऑफ बोन, क्वालिटी ऑफ टिश्यूज़ जो बोलते हैं, तो अफ्रीकन्स में सबसे बढ़िया होती है। मतलब अगर उनकी मैं सर्जरी करता हूँ तो नाइफ मुझे 3 बार बदलना पड़ता है, मेरी सॉ की ब्लेड मुझे 2 बार बदलनी पड़ती है। देन कम्स कोकेशियंस, देन कम्स ओरिएंटल्स एंड देन कम्स एशियंस। मीन्स अवर बोन्स एंड टिश्यूज़ आर मच वीकर देन अफ्रीकन्स एंड कोकेशियंस। दैट इज़ बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ फूड वी ईट, टाइप ऑफ विटामिन्स वी हैव, बॉडी रिसोर्सेज आर पुअर, एंड वी आर फिजिकली लार्जली अनफिट। वी डोंट यूज अवर बॉडी मच, वी यूज अवर ब्रेन मच बट नॉट बॉडी मच। एक और कॉलर जुड़े हैं, अमन ने हमें दिल्ली से कॉल किया, अमन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी के बारे में पूछना चाहता हूँ, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सवाल ये है कि इज इट क्यूरेबल और नॉट। अमन एक बार अपना सवाल दोहराइए, अपनी टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। मैम ये पूछना चाहता हूँ, मेरी मम्मी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जी, क्या ये क्यूरेबल है या नहीं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, और
देर आर टू लार्ज वेराइटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में रूमेटॉइड और उसके काफ़ी वेरियंट्स भी हैं. ये क्योरेटिव नहीं होते हैं बट लंबे टाइम तक ठीक ट्रीटमेंट लेने से यू कैन रिमेन डिसीज फ्री फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें डे टू डे ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है उसको कंट्रोल में रखने के लिए. ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ की गोली आज ली और कल से बंद हो जाएगी. सो सिमिलरली रूमेटॉइड इज़ नॉट क्योरेटिव बट यू कैन रिमेन हेल्दी एंड वेल इफ़ यू कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है डॉक्टर, ऐसे अभी कॉल आए हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि क्या महिलाओं और पुरुषों की अगर तुलना करें तो ऐसा है कि घुटनों के दर्द से कोई एक ज़्यादा परेशान होता है? बिल्कुल सही है. मैं जो पेशेंट ऑपरेट करता हूँ उसमें 70-75% फीमेल्स होती है और 20-25% तक मेल होते हैं. तो पुरुषों को ये थोड़ा कम होता है, महिलाओं को ज़्यादा होता है. एक वजह ये भी है कि आम तौर से महिलाएँ 10 साल सरेराश ज़्यादा जीती है पुरुषों से. सो एक कारण ये भी हो सकता है कि वी आर ऑपरेटिंग मोर फीमेल्स बिकॉज लार्जर पोर्शन ऑफ आवर पेशेंट आर 60+. और भी कोई वजह है इसके पीछे क्या? क्या बेसिकली इंडियन फीमेल्स क्वालिटेटिवली, मैंने पहले बताया ऐसा कि खाना उनका जो है इज़ अ वेरी लो प्रोटीन डाइट, मोर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स दे ईट एंड सप्लीमेंट्स दे डोंट टेक. ठीक है डॉक्टर, अगर कारण हो गए हैं इसके बाद अगर हम इसके इलाज की बात करें तो किस तरह के इलाज मौजूद हैं? और घुटनों में दर्द के अलग अलग आप प्रकार भी बता रहे थे कि अलग अलग कारणों से अलग अलग वजहों से भी हो सकता है. जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो घुटना घिसने के कारण होता है, मतलब वेर एंड टेयर बोलते हैं आमतौर से उसको. उसकी वो 95-98% तक वही कारण होता है घुटनों के प्रॉब्लम का. 2-5% केसेस में अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ठीक से किया जाए तो सर्जरी लंबे टाइम तक अवॉइड कर सकते हैं. अभी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बात करते हैं, घुटने के आर्थराइटिस की बात करते हैं कि जो वेर एंड टेयर की बात है, तो घुटनों का वेर एंड टेयर इसलिए होता है, पहले तो मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ बोन, क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक, उसके साथ साथ मानव जात एक ही प्राणी ऐसा है कि जो 2 पांव पे चलता है. बाकी आप हाथी भी ले लो तो 4 पांव पे चलता है, तो उसको घुटनों का आर्थराइटिस नहीं होता है. तो जब 2 पांव पे चलते हो पूरे बॉडी का वजन घुटनों पे आता है, तो अपने जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम लार्जली जो है सर्वाइकल डिस्क, लंबर डिस्क, वो सब प्रॉब्लम बिकॉज हम 2 पांव पे चलते हैं तो पूरा बॉडी वेट उसके पर आता है. अच्छा, घुटना 2 लंबे बोन्स के बीच का जॉइंट है, तो इट हैज़ टू टेक 3 टाइम्स बॉडी वेट वाइल गोइंग एंड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. मतलब उसको काफ़ी झेलना पड़ता है. तो दैट इज़ द वन रीज़न के घुटना जल्दी घिसता है. और जब हम कम उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं डॉक्टर, तो कम उम्र में घुटनों के दर्द की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या वही जो खान पान की प्रॉब्लम है या और भी कोई वजह हो सकती है? खान पान और न्यूट्रिशन से सिवाय ये जीनेटिक भी होता है. मतलब अगर मदर फादर को होता है तो वो मदर फादर या वन ऑफ देम हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो चांसेस यंगर एज में आने का बढ़ता है बच्चों में, तो पर्टिकुलरली फीमेल में ज़्यादा बढ़ता है. अच्छा अच्छा, तो उसके लिए क्या पहले से जिनको पता है उनकी फैमिली में ही चलता आ रहा है वो कोई उपाय अपना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो बेसिकली वी हैव टू करेक्ट द न्यूट्रिशन, वी हैव टू करेक्ट द न्यूट्रिशन, वी हैव टू आस्क पेशेंट टू गो फॉर गुड corrective exercise, ask them to check the weight, and one has to wear softer shoe wear. अभी क्या है, सरफेस सब हार्ड हो गई, तो whenever you are walking or doing some activity, सब pressure घुटने पे आता है. Now softer the shoe wear you wear, you are going to have lesser jerk on your knees. So you know these are all small things, but it really helps. अब आप सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हमने कई लोगों को देखा है डॉक्टर, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या जॉगिंग करते हैं तो वो रोड पे करते हैं ज़्यादा, हमने ये भी देखा है. क्या इसका असर भी पड़ता है, सही तरीके के जूते ना पहनना, सरफेस पे हार्ड सरफेस पे दौड़ना? और दूसरी बात, जिम में हम देखते हैं आजकल ट्रेडमिल पे लोग दौड़ते हैं, क्या ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं घुटनों के लिए? नहीं, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने. सबसे पहले तो जॉगिंग इज़ वेरी हार्मफुल टू नीज, जॉगिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
either you run if you are fit or you do a brisk walking. Brisk walking is good for health. Jogging, you are jumping on your knees. So even if you are having normal knee, you are going to harm it. If you are going to run, it is a smooth landing and smooth takeoff. So you are not going to harm your knees if you are fit to run. Mm-hmm. Now comes wearing sport shoes. Sport shoes is very important thing if you are going to do some activity physically. Having said this, अगर आपने देखा होगा कि रबर बैंड जो होता है अगर एक कबोर्ड में पड़ा है एक साल के बाद बाहर निकालते हैं तो वो ठीक से नहीं काम करता टूट जाता है. सिमिलरली स्पोर्ट शूज़ भी एक आध साल में बदल देने चाहिए. मैंने देखा है लोग दो ढाई साल तक वही यूज़ करते हैं तो देन द कंसिस्टेंसी ऑफ रबर इज़ सो बैड दैट यू आर गोइंग टू इंजर योर नीज. सो हर साल स्पोर्ट शूज़ बदल देना चाहिए. एंड लास्ट थिंग ट्रेडमिल. ट्रेडमिल शुड नॉट बी यूज्ड इफ़ यू हैव started your knee problem. मतलब if you are a young person and if you want to go, no problem. But आपको अगर घुटने का problem चालू हुआ है तो आपको बाहर घूमने जाना चाहिए, नहीं treadmill पे नहीं चलना चाहिए. ठीक है. एक सवाल हमारे पास YouTube के जरिए आया है. ए के सिंह ने ये सवाल हमसे पूछा है. आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है. ए के सिंह हमसे पूछ रहे हैं कि क्या अधिक वजन और रनिंग भविष्य में घुटने के दर्द का कारण बन सकता है. घुटने में दर्द के कारण बताएं. व्यायाम और आहार क्या हो जो घुटनों के दर्द से लड़ने में हमें मदद कर सकते हैं. एक सवाल हम और ले लेते हैं. रत्नेश ने हमें कॉल किया है. रत्नेश, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डेली 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ और मतलब हफ्ते में 4-5 दिन जॉगिंग करता हूँ मैं, तो क्या मतलब ओल्ड एज में जाके आफ्टर 50 ईयर ये मेरे प्रॉब्लम करेगा मेरे घुटनों में? नहीं, ऐसा मेरा क्वेश्चन है. ठीक है रत्नेश. मैंने पहले बताया कि जॉगिंग इज बैड फॉर योर नीज. रनिंग इज गुड इफ यू आर फिट. अदरवाइज यू शुड गो फॉर अ ब्रिस्क वॉकिंग. सो दिस इज वेरी क्लियर. एज फार एज फूड इज कंसर्न, high protein diet particularly in Indian subcontinent is very very important. Supplement of vitamin D, vitamin B6 and vitamin B12 also is very important to keep your bones well. ठीक है. जो ए के सिंह का सवाल था YouTube के जरिए, डॉक्टर वो कह रहे हैं क्या मोटापा आगे जाके मेरे लिए घुटनों की समस्या बन सकता है, मैं रनिंग भी करता हूँ, क्या किस तरह का आहार लें, सब चीज़ें जाननी चाहिए. रनिंग इज गुड इफ यू आर फिट. अगेन, if you are not fit, you are going to harm not only your knee, your back also. Dusra sawal kya tha? Haan, unhone ye kaha motapa. Motapa definitely affects your joints, your heart, your brain, everything. So, you know, aapka vajan ek level se zyada nahi badhe, wo bahut zaruri hai. Theek hai. Doctor, kai log ab gym ki bhi baat aayi hai. कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं बिना जाने, वो विटामिन्स और कैल्शियम भी उसमें मौजूद है, बिना डॉक्टरी सलाह लिए या आपस में बात करके किसी दोस्त की सलाह पर सप्लीमेंट लेना, ये कितना खतरनाक हो सकता है हड्डियों के लिए भी? हड्डियों के लिए तो ठीक है, लेकिन शरीर के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल. और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अगर बाहर से ऐसा आर्टिफिशियल फूड लेना पड़े व्हेन यू आर यंग, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर थॉट प्रोसेस. मैं हमेशा कहता हूँ कि राणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे तब 80 किलो का बख्तर पहनते थे और 18 किलो की तलवार थी उनकी. वो कोई सप्लीमेंट नहीं लेते थे. अगर उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको क्यों पड़ रही है? मतलब सप्लीमेंट कब लेते हैं? अगर 50-55 के बाद आपकी भूख कम हो गई, आपका खुराक जो था उससे 30-40% कम हो गया, तो देन यू नीड सप्लीमेंट इन फॉर्म ऑफ विटामिन्स और इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और प्रोटीन्स. बट इन यंग एज आई डोंट थिंक देर इज़ अ ऑप्शन ऑफ हाई क्वालिटी गुड फूड. ठीक है डॉक्टर, सप्लीमेंट्स की बात कही है तो खान पान को लेकर क्या चीज़ें हमें दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोग दूध पनीर इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन उनको खाने का भी क्या सही तरीका मालूम है लोगों को? नहीं है. आमतौर से यू नो, मानव जात एक ही प्राणी ऐसा है दुनिया में कि जो खाने को कुक करता है.
बाकी कोई प्राणी कुक करके नहीं खाता है. मतलब वी हैव अ हैबिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑफ एवरी फूड बिफोर वी ईट. और हर चीज़ में हमको मसाला भी चाहिए. अभी आपको मसाला भी चाहिए, आपको हर चीज़ कुक करना है, तो देन इट हैज़ ओनली कैलोरीफिक वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो जितना भी आप अनकुक्ड फूड खा सको, सलाद सलाद है, फ्रूट्स है, मिल्क है, मतलब आप जितना भी अनकुक्ड फूड खाते हो तो वो हजम भी ठीक से होता है. और डॉक्टर, जब हमने देखा है कि जब लोगों को घुटने का दर्द होता है, ज़्यादातर लोग कई तरह के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और चलना फिरना बहुत कम कर देते हैं, दिनचर्या के जो काम है वो भी बहुत कम कर देते हैं, क्या ये करना ठीक है? शरीर में एक्टिविटी अगर नहीं होती है तो शरीर लंबे टाइम तक ठीक से नहीं चलता है. फिजिकली एक्टिव बिल्कुल रहना पड़ता है. अगर एक्टिव नहीं रहते हैं तो वो ओबेसिटी भी करता है और जॉइंट के सिवा हार्ट से लेकर हर ऑर्गन पे उसकी इफेक्ट आती है. इवन कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है. अगर एक्टिविटी आपकी सही है तो आपका माइंड भी सही चलेगा, शरीर भी सही चलेगा. दूसरा जी जी, सेकंड क्वेश्चन. हाँ, मैं यही कह रही थी कि कई तरह के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं. ऑयल में, ऑयल के लिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि हर टाइप का ऑयल ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट इन सही मात्रा. आप अगर ज़्यादा ही खाएंगे तो कोई भी ऑयल ख़राब है. अगर समझ के खाते हैं तो कोई ऑयल ख़राब नहीं है. बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग चीज़ को फ्राई करके कुक करके खाते हैं. वेन एवर वी कुक इन द ऑयल, इट इज़ कन्वर्टेड इन टू ए ट्रांसफैट. अगर हम कोई भी चीज़ में कच्चा तेल डाल के खाए तो वो बहुत ही हेल्दी है. अगर तेल खाना है तो कोई भी चीज़ में ऊपर से तेल डाल के खाओ तो वो बहुत ही हेल्दी है. ठीक है डॉक्टर, क्या कई लोगों में हमने देखा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नॉगनीज है या फिर फ्लैट फीट है, कुछ ऐसी पैरों की समस्या शुरुआत से है, क्या ऐसे लोगों में घुटनों का दर्द और ज़्यादा, मतलब उसकी आशंका ज़्यादा रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ है, नॉक नीज या फ्लैट फुट वगैरह, विच इज़ वेरी अनकॉमन. 10,000 में एक पेशेंट में होती है. उसको कुछ घुटने के साथ लेना देना नहीं है, या तो घुटने के वेयर एंड टेयर के साथ कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ लक्ष्मी रावत जुड़ी हैं, ग्वालियर से उन्होंने कॉल किया है. लक्ष्मी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं. हेलो जी. हाँ सर, मैं मेरे को सर वो क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में दर्द होता हैगा और सर्दियों में घुटनों में दर्द होता हैगा, मतलब सारे जॉइंटों पे दर्द होता है सर्दियों में खास करके. और क्या कहते हैं, वैसे भी मतलब जैसे कोई तनाव वगैरह हो जाता है अंदर टेंशन वगैरह से, तो मेरे को मतलब नींद भी नहीं आ रही है अभी कुछ दिनों से. तो लेफ्ट साइड का जो हाथ और पैर है ना, उसमें सुनपन सा मतलब थोड़ा खिंचाव टाइप का है और ब्रेन में भी दर्द हो रहा है एक साइड से, मतलब धमधम आवाज आती है चलने में. तो ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी कुछ 10-15 दिन से. अभी भी मेरी तबीयत हालत खराब है. अच्छा. इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा सही से बात भी नहीं कर पा रही. अच्छा लक्ष्मी, आप अपनी उम्र बता दीजिए और ये तकलीफ आपको कितने समय से है ये बताइए. मेरी उम्र मतलब 39-40 के आस पास है, मतलब ठीक है 39 के आसपास, मतलब इतनी है ठीक है लगभग. और मेरे को ये समय बहुत समय से हो रही है, मतलब मेरी जी को ही मतलब 25 साल को होने को जा रही है, सॉरी 21 साल होने को जा रही है. मेरी शादी 21 साल हुई है जब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, मतलब शादी के तुरंत ही बाद मेरे को. अच्छा, अभी तक आपने दिखाया है किसी डॉक्टर को? अभी तक दिखाया है आपने? हाँ, हम लोग. उन्होंने क्या बोला? रहते हैं हम लोग शिवपुरी में रहते हैं, वहाँ एक है मतलब जो मतलब विशेषक है, उनसे दिखाया. क्या बताया उन्होंने? तो कोई तो थायराइड वो देखा, वो बताते हैं कि मतलब आपको साइटिका है, कोई बताता है कोई कुछ कहीं कुछ. अभी तो सही समय पता नहीं चलता, सर्दियों में ही दिक्कत होती है खास करके. अच्छा. जैसे कोई बात की भी चीज खा लेती हूँ तब भी मेरे जोंडों में दर्द होता है और बहुत दर्द होता है, मतलब तनाव सा इसमें झंझनाहट भी होती है पैरों में. तो खास करके ठीक है, हम डॉक्टर से जानते हैं. लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को मैं इतना बताऊंगा कि उनका विटामिन B12 और विटामिन डी लेवल आप करा लो. यूजुअली यंग फीमेल में ये कम होने की वजह से टाइप के पेन काफ़ी होते हैं. दूसरा कि सर्दियों में जब ये पेन होता है तो कीप योर सेल्फ वॉर्म, मतलब ठंडी में खुला नहीं रखने का. अगर घुटने में ज़रूरत है तो नी कैप भी पहन सकती है, लेकिन B12 और D3 लेवल करा लो और नज़दीक के कोई डॉक्टर को दिखा दो एक बार.
तो डॉक्टर की सलाह मानिए और जैसा डॉक्टर बता रहे हैं वो करके आप देखिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपको जो ये दर्द है, तकलीफ है, उससे छुटकारा मिले। लक्ष्मी डॉक्टर, आपने बताया कि नॉग नीज को लेके लोगों में इस तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। इसके अलावा बुढ़ापे में हमने जो घुटनों के दर्द की बात की, कई ऐसे लोग हैं डॉक्टर जो हॉस्पिटल का रुख करने से डरते हैं कि हम अगर गए तो हो सकता है कुछ ऐसे इंजेक्शन या इस तरह का, डॉक्टर के आप सीधा नी रिप्लेसमेंट के लिए ना बोल दें। क्या नी रिप्लेसमेंट तक की बात कब पहुंचती है या डॉक्टर से सलाह लेना जल्द से जल्द कितना ज़रूरी है? आई विल गिव यू सम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जब 25 साल पहले मैं अमेरिका से वापस आया तो मुझे याद है कि पेशेंट दरवाजे में आते ही मुझे बोलता था कि साहब जो भी कहना ऑपरेशन मत कहना। बिल्कुल। और अब ये बात है कि पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि साहब ऑपरेशन कर दो। मैं बोलता हूँ कि नहीं, तेरी उम्र छोटी है, थोड़ा टाइम निकाल दे। तो बोलते हैं नहीं, मैं टेढ़ा चलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है ऐसा, मुझे सही चलना है। तो मुझे कहना पड़ता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्जरी है, तुम्हारा पेन निकालने के लिए सर्जरी है। मतलब कहने का ये है कि 25 साल में इतना अवेयरनेस आया है कि एक बाजू ये था कि पेशेंट को सर्जरी बिल्कुल ही नहीं करानी थी, तो आज हमको बोलना पड़ता है कभी तुमको ज़रूरत नहीं है, दो चार साल के बाद आना। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आमतौर से पेशेंट डरते हैं, वो भी सही है, डॉक्टर के पास जाने में कि कहीं सर्जरी की बात नहीं आ जाए। लेकिन सर्जरी की बात अगर आती भी है तो भी वो आपका डिसीजन है, करना नहीं करना, कब करना। बट एक बार ज़रूर डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो स्टेज में है कि आपका इतना घुटना खराब नहीं है तो अगर थोड़ी एडवाइस ट्रीटमेंट मिलने से आपका पेन फ्री टाइम विदाउट सर्जरी लंबा चले। ठीक है, एक कॉलर दुष्यंत जुड़े हैं गुजरात से, इन्होंने हमें कॉल किया है। दुष्यंत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, अभी मुझे ये जानना था, मेरे एक दीदी है जिनको सर्जरी की एडवाइस की गई है नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत अगर हम सर्जरी करवाते हैं और अगर दूसरे तरीके से करवाते हैं तो उसमें कोई फर्क आता है क्या सर्जरी के टेक्निक्स वगैरह में? और सरकारी जो योजनाएं है वो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं सर, वो जानना था। ठीक है दुष्यंत। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना के बारे में मैं बताऊंगा कि सरकार ने जो ये आयुष्मान योजना बनाई है वो पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी योजना है कि सामान्य पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अच्छी ट्रीटमेंट ले सकता है और ठीक हो सकता है। तो वो आज तक एक मिडिल क्लास और पुअर लोगों के लिए एक सपना था, वो एक अच्छी तरह पूरा हुआ कि भाई उनके माँ बाप को लेके, उनके रिलेटिव्स को लेके अच्छी जगह पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, ट्रीटमेंट तो वही रहता है, सर्जन वही काम करता है। फैसिलिटी में फ़र्क ज़रूर रहता है कि भाई आयुष्मान योजना का पेशेंट इकोनॉमी क्लास में रहता है, अगर पेइंग पेशेंट है तो अपर क्लास में रहता है या डीलक्स क्लास में रहता है, बट ट्रीटमेंट रिमेन्स सेम। दूसरी बात कि गुजरात में तो आयुष्मान के साथ माँ योजना भी है जो माननीय श्री मोदी साहब ने सालों पहले चालू की थी, मुख्यमंत्री अमृतम योजना। तो उसके तहत तो कब का जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, शेल्बी हॉस्पिटल सूरत, अहमदाबाद और वापी सब जगह पे करते हैं, तो आप कहीं भी जाके उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और अभी बिल्कुल फ्री भी होती है। ठीक है, रोहित ने हमें कॉल किया है। रोहित स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। या गुड मॉर्निंग मैम। जी सवाल पूछिए रोहित। मैम मेरी मदर हैं, उनके लेफ्ट नी में दर्द होता है, पहले उनके जो पैर हैं उसमें पंजों में दर्द होता था, अभी वो बंद हो गया है पिछले 3-4 महीने से, लेकिन घुटने में लगातार रहता है, कभी बंद हो जाता है कभी कभी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा भी होती है। मैं जानना चाहता हूँ मैं मेडिकल दवाइयाँ लें या फिर कोई थेरेपी से ज्यादा फायदा मिल सकता है। अच्छा, जो भी सलाह हो प्लीज दीजिए। ठीक है, ठीक है। उम्र और कितने? अच्छा रोहित, आपकी माँ की उम्र कितनी है? और आप बता रहे हैं पहले पंजों में दर्द था, अब घुटनों में दर्द है, ये कब से चलता आ रहा है, कब से ये समस्या है? मैम जो पंजों में था वो लगभग 1 साल तक रहा, वो बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा ठीक है, उनकी उम्र कितनी है? वो ही है,
मैम 42 के आसपास है। अच्छा ठीक है रोहित जी। मैम यूजुअली 42 की एज में कोई सर्जरी की बात नहीं होती है, उनको घुटने का प्रॉब्लम जस्ट चालू हुआ होगा, तो घुटने का सामान्य एक्सरसाइज कोई फिजियोथेरापी से सीख के करे तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, और अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो फिर नज़दीक के ऑर्थोपेडिक सर्जन को बता के थोड़ा मेडिसिन 15 दिन महीने के लिए ले लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, एक और सवाल आया था हमारे पास, ये ट्विटर के जरिए सवाल था, ज्योत्सना ने ये सवाल पूछा है कि मेरी उम्र 35 साल है और रह रहकर मुझे घुटनों में दर्द होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। उनका कहना है बीच में होता है अपने आप ठीक हो जाता है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यंग फीमेल में जब पेन आता जाता रहता है तो वो लार्जली कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता है, एंड कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला इज अगेन घुटने का वेयर एंड टेयर का शुरुआत है। तो उसमें एक तो जमीन पे बैठना बंद करना चाहिए, इंडियन टाइप का टॉयलेट बंद करना चाहिए, एंड शी शुड हैव हाई प्रोटीन डाइट, एंड शी शुड गेट हर विटामिन लेवल्स चेक्ड, विटामिन डी, विटामिन B12। ठीक है, विशाल ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। विशाल आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विशाल आप सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी यह मैं 19 साल का हूँ, और जी मैम मेरी एज 19 साल है, मेरे को मैम 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है और दर्द हो रहा है। मैंने होम्योपैथिक मतलब दवाई कर रहा हूँ, आराम होता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई कर मतलब कराता हूँ जब तक आराम रहता है, उसके बाद जो है दिक्कत चालू हो जाती है, और मेरा वेट जो करीब 74 किलो है, तो मैम क्या वेट की वजह से मेरा जो ये घुटने में प्रॉब्लम है कि या कोई और वजह है? आपने उम्र अपनी 19 साल बताई और आपका वेट 74 किलो है, लंबाई भी बताइए अपनी। लंबाई मेरी मैम 160 है। ठीक है, हम डॉक्टर से जानते हैं, डॉक्टर क्या वजह हो सकती है? 19-20 साल में अगर घुटने का प्रॉब्लम हो तो वो घुटने का प्रॉब्लम महदंश नहीं होता है, वो कार्टिलेज रिलेटेड या मेनिस्कस रिलेटेड या लिगामेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसको बिल्कुल डॉक्टर को बताना चाहिए और उसको MRI कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे वगैरह में सॉफ्ट टिश्यूज़ नहीं दिखती है ठीक से, तो MRI करा के लिगमेंट्स और कार्टिलेज का हालत क्या है वो एक बार देखना चाहिए। ठीक है, यानी 19 साल की उम्र या छोटी उम्र में जो आप बता रहे हैं उसके पीछे ये वजह भी हो सकती है। और फिर से मैं एक डॉक्टर आपसे कहूँगी कि कई लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, उन्हें आप इस समय क्या सलाह देंगे? नहीं, डॉक्टर के पास जाते से डरने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आपका है उससे वो काफ़ी बड़ा करके जाओगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेगा और ज़्यादा खराब ट्रीटमेंट, ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हर चीज़ में जब भी प्रॉब्लम शुरू होता है तब चले जाओ तो आपका कम से कम ट्रीटमेंट में ठीक होने का चांस रहता है। और नी रिप्लेसमेंट को लेकर डॉक्टर जो आपने बताया है कि अब लोग कहते हैं कि आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, जिस ऑपरेशन से पहले लोग डरते थे, लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में शंकाएं हैं कि क्या उसके बाद मेरा घुटना पहले की तरह ही काम करेगा, या दिनचर्या जिस तरह की मैं सामान्य दिनचर्या में सामान्य तरीके से काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसको लेकर भी अभी कुछ मिथक हैं क्या लोगों के मन में? लोग डरते हैं, और पर्टिकुलरली मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा कि व्हाई आई एम सो सक्सेसफुल बिकॉज आई वाज सिटिंग इन गुजरात। क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं अहमदाबाद आया 25 साल पहले और मैंने मेरा काम चालू किया और मैंने बताना चालू किया कि भाई ये ऑपरेशन अच्छा है कराओ, तो अभी सबके सब गुजराती के रिलेटिव यूरोप अमेरिका में है, तो वो फ़ोन करके पूछते ये ऑपरेशन कैसा है, सब बोलते हैं कि नहीं बढ़िया ऑपरेशन है करा लो इससे अच्छा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका में तो वो 35-35 साल से होता था। तो अवेयरनेस इन गुजराती पॉपुलेशन वॉज मच मोर, एंड दैट्स वाई 25 साल में मैं 1 लाख ऑपरेशन तक पहुंच पाया, क्योंकि गुजरात में इतनी अवेयरनेस फास्ट आती है ये सब चीज़ों की। अभी उसी चीज़ का अगर मैं बोलूँ कि यूपी और बिहार से जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो इतना डरते हैं, उनको ऐसा सच में जैसे आपने बोला कि वो इतना डरते हैं कि बोलते हैं कि भाई मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं कहूं तो पहाड़ भी चढ़ते हैं पेशेंट, 10 किलोमीटर चलते भी हैं, और अभी तो 25 साल में मैंने 1 लाख ऑपरेशन किए, 25 साल से पेशेंट घूम रहे हैं अच्छी तरह, आलती पालती भी मारते हैं, सब कर सकते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसा आप डॉक्टर भी बता रहे हैं कि
सलाह तो ले और किसी भी तरह के उपचार से डॉक्टर के पास जाने से पहले कोई पूर्वाग्रह ना बनाए, और अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह ले, और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत कॉल मिलाइए, क्योंकि हमारे साथ जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विक्रम शाह इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खास तौर से नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा सर्जरी ये नी रिप्लेसमेंट की कर चुके हैं। तो अगर आपका भी घुटनों के दर्द से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल मिलाइए या जीमेल के जरिए हमसे सवाल पूछिए। प्रशांत ने हमें कॉल किया है। प्रशांत, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार, और सभी डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत से लोगों को पोस्टर डिफॉर्मिटीज होती हैं, जैसे बोलेक्स हुआ, तो क्या उससे भी घुटनों के दर्द में कुछ असर होता है क्या, मतलब उससे भी घुटनों से ठीक है? प्रशांत, ऐसा ही सवाल आपसे पूछा था डॉक्टर। बोलेक्स जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, बोलेक्स पर्टिकुलरली मेल में काफ़ी हेरिडिटरी होते हैं, और ये लोग, ये जो मेल वर्ग होता है कि जिनको बोलेक पहले से, उनको घुटना घिसने का शुरुआत भी जल्दी से हो जाता है। तो अगर इनिशियल फेज में 40 के आसपास 45 के आसपास अगर ऑस्टियोटॉमी करके उनका करेक्शन किया जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट नहीं आता है, या तो लेट आता है, नहीं तो फिर 50 55 60 के बाद नी रिप्लेसमेंट आता है, तब फुल करेक्शन कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर, अभी आपसे खानपान को लेकर जितने भी दर्शक पूछ रहे हैं, क्योंकि आम धारणा यह है कि अगर हड्डी से जुड़ा मामला है तो कैल्शियम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी, आप बार बार प्रोटीन की बात भी कह रहे हैं, तो किस तरह से संतुलित खानपान अपनाना बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए? बोन्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, वो बोन्स का स्ट्रक्चर RCC मतलब के रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो होता है उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ कि उसमें लोहे की जाली होती है और उसमें फिर सीमेंट डाला जाता है, तो जो लोहे की जाली होती है वो प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है बोन में। अगर आपका प्रोटीन का मैट्रिक्स ही वीक है तो कितना भी कैल्शियम खाओ आपकी हड्डी मजबूत नहीं बनेगी। तो प्रोटीन का मैट्रिक्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट करता है बॉडी विटामिन डी की मदद से। तो ये बहुत जरूरी है कि यू हैव अ हाई क्वालिटी प्रोटीन बिफोर यू हैव कैल्शियम, बिकॉज प्रोटीन से ही आपके बोन का मैट्रिक्स बनता है। दूसरा, जो आपका कार्टिलेज होता है वो तो 100% प्रोटीन का ही बनता है, तो मतलब आपके जॉइंट का कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर प्रोटीन ठीक से खाए गए तो ही अपनी हड्डी और कार्टिलेज अच्छे बनने के चांस है। ठीक है, वरुण ने हमें कॉल किया, रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण शुक्रिया कॉल करने के लिए, सवाल पूछिए। सर मेरी मम्मी के पैर में पिछले घुटने में पिछले 15 अराउंड 1 मंथ से दर्द है, तो ऑर्थोपेडिक में हमने दिखाया था तो उन्होंने एक्सरे का बोला था, एक्सरे कराया तो उसमें उन्होंने बोला है कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, इवन वी डिड ब्लड टेस्ट ऑल्सो, तो उसमें कुछ आया नहीं, तो डॉक्टर कह रहा है कि आपकी हड्डियां कमजोर है, और उन्होंने कुछ दवाइयां दी थी जो कि चल रही हैं, तो मुझे जानना है कि इस रियली ये हड्डी प्रॉब्लम है या फिर समथिंग कुछ, हमें क्या करना चाहिए? हड्डियाँ यूजुअली इंडियन फीमेल्स में बाय दीज एट वीक होती ही है, और अगर आपको हड्डी मजबूत करने की ट्रीटमेंट दी है तो आपको जरूर चालू कर देनी चाहिए। और अगर एक्सरे आपका हुआ है, अगर वो एक्सरे में घुटना घिसा है नहीं घिसा है, अगर नहीं घिसा है तो अच्छी बात है, तो फिजियोथेरापी अच्छी तरह चालू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़रूर मदद मिलेगी आपको। डॉक्टर, फिजियोथेरेपी की आप बात कर रहे हैं तो इससे मैं एक्सरसाइजेस की भी थोड़ी बात करूंगी। आप कह रहे हैं ब्रिस्क वॉकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, अपने वज़न के हिसाब से भी हमें देखना चाहिए किस तरह की कसरत करनी है या नहीं करनी है। इसके अलावा आप आम तौर पर, जैसा हमने शुरू में भी बताया था, AC में बैठे रहना सबसे बड़ी वजह है, धूप में बाहर ना निकलना, ये तमाम वजह हैं, तो दिनचर्या को नियमित कैसे बनाया जाए? और कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हम कल से करेंगे, वो धीरे धीरे करके वो कल टलता रहता है, तो कैसे हर दिन को ज़रूरी समझा जाए और कितना ज़रूरी है नियमित दिनचर्या? नियमित दिनचर्या ऐसे ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा अगर सोचे कि कल एक्सरसाइज करेंगे तो चलेगा, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि कल खाएंगे तो चलेगा। अगर आप खाना रोज़ खाते हो तो एक्सरसाइज भी रोज़ करना चाहिए, मतलब 3-4 किलोमीटर चलना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए।
दूसरी दो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है चलने के सिवाय, वन इज स्विमिंग, के जोड़ों पे कोई भी जात का प्रेशर नहीं आता है एंड यू आर एबल टू एक्सरसाइज नाइसली, अने जॉइंट को और बोन्स को अच्छी तरह न्यूट्रिशन भी मिलता है, ठीक है। और दूसरा योगा एंड प्राणायाम, योगासन भी जॉइंट पे कोई वजन नहीं आता है एंड यू आर एबल टू इंक्रीज योर मसल टोन, यू आर एबल टू इंक्रीज योर चेस्ट कैपेसिटी, ठीक है। एक और कॉलर है वर्धा से, अभितोष ने हमें कॉल किया है। अभितोष शुक्रिया आप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सवाल पूछिए आप। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अभितोष दुबे बोल रहा हूँ वर्धा से। मैं जब सुबह सोके जब उठता हूँ डॉक्टर साहब तो मेरे घुटनों से हल्की हल्की चटकने जैसी आवाज आती है। मेरी उम्र 45 साल है और थोड़ा सा कमर में दर्द होता रहता है डॉक्टर साहब, तो मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूँ। सुबह जब उठते हैं तब आमतौर से थोड़ा स्टिफनेस लगना नॉर्मल है, क्योंकि आपका बॉडी स्थूल अवस्था में पूरी रात रहा है तो थोड़ा स्टिफनेस लगता है एंड थोड़ा वार्म अप करना, थोड़ा घूमना फिरना इसलिए मॉर्निंग में करते हैं। थोड़ा पेन जो होता है वो 40-45 के आसपास एबनॉर्मल नहीं है, अगर घुटना घिसने की शुरुआत हुई है तो थोड़ा होता भी है, लेकिन अभी आपको आपकी मोबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए, आपका वेट चेक करा लेना चाहिए, आपका विटामिन लेवल चेक करा लेना चाहिए। मतलब हमेशा कहते हैं कि 45 के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप भी आपको करा लेना चाहिए, जनरल हेल्थ चेकअप जो बोलते हैं हॉस्पिटल में जाके, ठीक है। और डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई सारी बातें आप बता रहे हैं, कई लोग जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ कराना चाहते हैं, कई जो आयुष्मान भारत योजना है उसका भी लाभ लेना चाहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें नी रिप्लेसमेंट में कितना खर्च आ सकता है और इसके बाद कितना दिन लगता है रिकवर होने में, कितने दिन बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? सबसे पहले तो आयुष्मान योजना या गुजरात गवर्नमेंट की माँ योजना में ये बिल्कुल फ्री होता है, मतलब पेशेंट को एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसमें रिकवरी कैसे होती है, तो अभी ये सर्जरी शेल्बी में मेरे द्वारा ज़ीरो टेक्निक से की जाती है, तो ज़ीरो टेक्निक में ये होता है कि 2 घंटे में पेशेंट चलने लगता है, दूसरे दिन तीसरे दिन पेशेंट सीढ़ी चढ़ता है, अगर एक साइड पे करते हैं तो 2 दिन में पेशेंट घर चला जाता है, 12-14 दिन में स्टिच निकल जाते हैं, उसके बाद वो बाहर शॉपिंग को भी जा सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, देव दर्शन को भी जा सकते हैं, और 3-4 हफ्ते के बाद हम गाड़ी चलाने की छुट्टी देते हैं, मतलब 3 हफ्ते के अंदर अंदर दे स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। अगर परदेश से पेशेंट आते हैं, अगर अफ्रीका या मिडल ईस्ट से पेशेंट आते हैं तो उन लोगों को हम 3-4 दिन 6 दिन में जाने देते हैं, लेकिन अगर यूरोप से आते हैं तो ओवरनाइट फ्लाइट होती है तो वो 15-20 दिन के बाद जाने देते हैं। और डॉक्टर जैसे गठिया एक बहुत सामान्य दिक्कत होती जा रही है और आपने कई अनुवांशिक चीज़ें भी बताई कि अनुवांशिक भी हो सकता है ये, इसको रोकने के लिए मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह के उपाय और अपनाए जा सकते हैं, जिनकी फैमिली में इस तरह का गठिया की दिक्कत चलती आ रही हो उसे रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं ताकि डिले किया जाए इस दिक्कत को या रोका जा सके? गठिया यानी कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मैंने बोला पहले बताया कि अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये फैमिली में भी रन करता है। अगर फैमिली में रन करता है तो उनके डॉटर सन्स को थोड़े चौकन्ने रहना चाहिए और रेगुलरली टेस्ट वगैरह अगर प्रॉब्लम होता है, पेन होता है जॉइंट में तो करा लेना चाहिए। 25-30 साल में मैंने लास्ट देखा है कि अगर ये पेशेंट्स गठिया के टाइम पे डायग्नोसिस करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ लंबे टाइम तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने की बात आती है तो पेशेंट छोड़ देते हैं, करते नहीं है, और फिर अलग अलग चीज़ों में चले जाते हैं, दोरे धागे तक चले जाते हैं और फिर बहुत दुखी होते हैं। बिल्कुल। और कुछ कुछ इसी से जुड़ा सवाल एक और है डॉक्टर हमारे पास, यूट्यूब से सवाल हमसे सुरेंद्र ने पूछा है और इनका ये कहना है कि क्या घुटनों के दर्द की जो समस्या है इसका एकमात्र उपाय सर्जरी ही है, क्या दर्द से निजात पाने के लिए ऑपरेशन एकमात्र उपाय है, दर्द से बचने का कोई और तरीका बताएं? कोई भी केमिकल प्रॉब्लम होता है, यानी कि बुखार आया, टीबी हुआ, तो उसकी दवाइयाँ होती है, दवाई से ठीक हो जाता है। बट कभी भी बॉडी में मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन मैकेनिकल होता है।
आपको कैटरेक्ट होगा आंख में, तो वो टीपा डालने से कैटरेक्ट जाने वाला नहीं है। अगर आपको ब्लॉक आया हार्ट में, तो या तो बाईपास होगी या एंजियोप्लास्टी होगी, वो सब मैकेनिकल सॉल्यूशन है। हड्डी टूट गई तो प्लेट रखेंगे, उसी तरह जॉइंट घिस गया एक लेवल के आगे तो उसमें फिर रिप्लेसमेंट ही होता है। एक लेवल के पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, बट एक लेवल के आगे रिप्लेसमेंट ही होता है। मैं बताऊँ, माय ओन ग्रैंड मदर 74 की थी, तब बेड रिडन हुई, तब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो 74 से 94 20 साल वो बिस्तर में रही एंड वो बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। मतलब कहने का ये है कि लोग बहुत ही दुखी होते हैं। अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराया, आदमी मर जाता है तो छूट जाता है। बट अगर घुटने का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराया तो आदमी जिएगा, मरने के बराबर जिएगा। बिल्कुल डॉक्टर, पोस्चर की जो प्रॉब्लम है आजकल, वो कितनी बड़ी समस्या है इस दर्द के कारण? पोस्चर के साथ घुटने के दर्द को कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन अपना पोस्चर करेक्ट नहीं है, और ये करेक्ट इसलिए नहीं है कि हम अपने मसल्स को, पर्टिकुलरली बैक साइड के मसल्स को सही एक्सरसाइज नहीं दे रहे। और सबसे बढ़िया चीज एक्सरसाइज देने के लिए योगा है। अगर आप योगासन सही तरीके से करो तो आप टटार रह पाओगे, आपका पोस्चर सही रहेगा, और आपका पोस्चर सही रहेगा तो आपका बैक पेन नहीं होगा। घुटने का तो नहीं होगा प्रॉब्लम, वैसे पोस्चर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपको बैक पेन नहीं चाहिए तो आपका पोस्चर सही योगासन से रहेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर है, मनीष ने हमें जयपुर से कॉल किया है। मनीष, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं जब भी उठता बैठता हूँ तब आवाज आती है घुटनों में। उम्र क्या? और मेरी उम्र है 22 साल। देखो, ऐसा है कि 22 साल में जो घुटनों में आवाज आती है ना, वो साइनोवियम का फोल्ड होता है, वो नॉर्मल है। कभी कभी जो साइनोवियल का फोल्ड होता है, मतलब जो जैसे आपकी ऊपर जॉइंट की ऊपर की चमड़ी है, ऐसे जॉइंट के अंदर चमड़ी होती है, उसको साइनोवियम कहते हैं। उसका एक फोल्ड होता है, उसको प्लाइका कहते हैं। वो प्लाइका कभी कभी टाइट होती है तो आवाज़ आता है, स्नैपिंग आवाज़ उठने बैठने में। वो नॉर्मल है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर, कई सारी चीज़ें, हम प्रोटीन और कैल्शियम की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को जिनको ये दर्द रहता है, कईयों का अपने आप ठीक हो जाता है, बीच बीच में होता है, उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए, खासकर खाने पीने को लेकर किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि हिंदुस्तानी को खाने पीने से बचने का कहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आम हिंदुस्तानी खाने पीने का शौकीन होता है तो उनको जो पसंद है खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सही चीज़ है वो ज़्यादा खानी चाहिए। तो अपना शौक भी पूरा करो और साथ में सही चीज़ खाओ जो पहले बताया गया है। हाँ हाँ, ठीक है डॉक्टर, मैं एक बार फिर से आपसे चाहूँगी कि नी रिप्लेसमेंट को लेकर आप एक बार और क्लियर करें। आपने बताया कि जो सरकारी योजना के तहत ये जो ऑपरेशन है ये पूरी तरह से मुफ्त होता है, प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग रुक करना चाहते हैं उन्हें कितना खर्च करना होगा, कितना दिन रिकवरी के लिए, मैं चाहूँगी एक बार जस्ट आप इसका जाते जाते लोगों को फिर से बताएं। सबसे पहले आयुष्मान योजना या माय योजना में बिल्कुल फ्री होता है, और वो जितनी भी हॉस्पिटल्स एम पैनल है वो आपको वेबसाइट से मिल जाता है, माय योजना की या आयुष्मान योजना की। आप देख सकते हैं कि कौन सी हॉस्पिटल्स है उसमें, कौन सी नहीं है, और आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है। मतलब यूपी का पेशेंट गुजरात भी आ सकता है, अहमदाबाद भी आ सकता है, अहमदाबाद का पेशेंट लखनऊ भी जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने पूरी पोर्टेबिलिटी भी रखी है इसमें। प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में अलग अलग पैकेज होते हैं, लगभग 1.5 लाख से लेके 2.5-3 लाख तक के पैकेज होते हैं। वो अलग अलग फैसिलिटी और रूम के हिसाब से होते हैं। आमतौर से अगले दिन या सेम डे पेशेंट को एडमिट किया जाता है, पूरे ब्लड के टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है, मतलब ईसीजी माने कार्डियोग्राम, इको कार्डियोग्राम होता है, फिजिशियन देखता है, एनेस्थेटिस्ट देखता है। सब चेक होने के बाद नक्की होता है कि भाई पेशेंट को कोई लंबा प्रॉब्लम नहीं है और हम उसका काम कर सकते हैं। फिर सर्जरी होती है, जो पहले सर्जरी में 1.5-2 घंटा हमको लगता था, अभी मैं 10-12 मिनट में कर देता हूँ, तो पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है, 2 घंटे में पेशेंट चलने लगता है।
इतना पेन भी नहीं होता है, जो आज से 10 साल पहले बहुत पेन होता था। अभी इतनी फिजियोथेरेपी भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि काटने का बहुत कम हो गया, सर्जिकल टाइम भी कम हो गया और सर्जिकल डिसेक्शन भी कम हो गया, और जल्दी चलते हुए बन जाते हैं, टॉयलेट वगैरह खुद जाने लगते हैं, तो ओवरऑल रिकवरी भी फिर बहुत फास्ट होती है। और 2 दिन में अगर एक बाजू करते हैं तो 2 दिन में पेशेंट घर चला जाता है, अगर दोनों बाजू करते हैं तो 5-6 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। यानी करीब करीब 1 हफ्ते के अंदर जो पेशेंट है वो काफ़ी कुछ काम करने लग सकता है। हाँ हाँ, घर जाके आमतौर से पेशेंट चाय भी बना सकता है, मतलब लाइट कुकिंग भी कर सकता है। यानी इतनी एडवांस अब नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो चुकी है। बोकारो से कॉलर हमारे साथ रंजन जुड़े हैं। रंजन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, आपको नमस्कार और डॉक्टर साहब को नमस्कार। 2008 में मेरा लेफ्ट पैर में दर्द हुआ तो दिखाए तो बोले मतलब सटिका का कुछ प्रॉब्लम, तो फिर साल भर के बाद वो डॉक्टर बोले कि दूसरे पैर में भी हो जाएगा, तो सही में दूसरे पैर में भी हो गया और दिखाए यहाँ पर भी, लेकिन आराम नहीं हो रहा और ठौना का दर्द है, यही मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर है तो पूरा इन्वेस्टिगेट केस नहीं हुआ है, तो उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलके पूरा इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस पहले करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट तय होगा। तो रंजन, आप एक बार डॉक्टर से उचित सलाह लें कि इसके पीछे कारण क्या है, और आपके दर्द के हिसाब से उसका कारण जानकर तभी डॉक्टर आपको सलाह देंगे, और वो सलाह आप अपनाएं, और हम उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द ठीक हो। एक सवाल जीमेल के जरिए आया है, प्रियांशी ने ये सवाल हमसे पूछा है, ये देखते हैं प्रियांशी का क्या सवाल है। प्रियांशी हमसे पूछ रही हैं कि मेरी उम्र 42 साल है और मेरा वजन सामान्य है, मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन समस्या लगातार बनी रहती है, ये क्या किसी रोग के लक्षण हैं और इसका उपाय भी बताएं? ये कोई रोग के लक्षण नहीं है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है टिपिकल, और उनको मैंने बोला ऐसा विटामिन लेवल करा लेना चाहिए और एक एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि उनका कौन से स्टेज पे प्रॉब्लम है। अगर मेडिसिन फिजियोथेरेपी के स्टेज पे, यूजुअली 42 साल में सर्जरी की नौबत नहीं होती है। ठीक है, एक और कॉलर है, सपना ने बड़ौदा से हमें कॉल किया है। सपना, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। हेलो जी सपना। जी सपना, हाँ नमस्ते मैडम और डॉक्टर। मैं मेरे पापा का रिसेंट करवाया है, अभी 1.5 महीने हो रहा है। मैं अभी पापा को भी भेजूंगी, जमशेदपुर में रहते हैं, इधर बड़ोडा में करवाया है डॉक्टर बाइबा वास्तव करके, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इसके बाद पापा का 21% अब तक का रिकवरी तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद पापा को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि पापा बहुत मतलब 83 इयर्स है, इसके लिए बहुत पापा मतलब बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी रहते हैं, वो मैडम भी बहुत अच्छी है, सब कुछ करते हैं, बट आफ्टर वहाँ पर जाने के बाद हम लोग फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मतलब हम चाहते हैं कि आप कुछ सलाह दें कि पापा को क्या क्या करना चाहिए। मैं ऐसा समझाऊँ कि आपके पापा का ऑपरेशन हुआ है? हाँ। और महीना हुआ है जी, ये कह रहे हैं कि और अभी ज़्यादा सोते रहते हैं। जी जी मतलब वो थोड़ा डेजीनेस है बिकॉज ऑफ उनका 83 इयर्स है। अगर सर्जरी के बाद अगर ज्यादा सोते रहते हैं तो उनका सीरम सोडियम लेवल करा लेना चाहिए। आपका पापा का सीरम सोडियम लेवल करा लो तो चेक हो जाए कि सोडियम लेवल लो है कि नहीं, अगर लो नहीं है तो ठीक है, अगर लो है तो नमक ज्यादा फूड में दे के करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर इसी के साथ आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी, तमाम जो कॉलर थे उनको आपने इतनी अच्छी सलाह दी, सुझाव दिए, और ख़ास तौर से नी रिप्लेसमेंट को लेकर जो तमाम मिथक हैं उन्हें भी आपने दूर करने की कोशिश की। स्टूडियो में आने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि घुटनों का दर्द किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है, इसलिए समय पर डॉक्टरी सलाह और उपचार आपको घुटनों के दर्द से पूरी तरह निजात दिला सकता है। और हाँ, नियमित व्यायाम, खान पान में संयम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप तन और मन दोनों को खुश रख सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं,
सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें इसका इंतजार रहता है। अगले अंक में बात होगी किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके कारण और निदान की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।